वेलकम चैनल बैक अगेन सर। आज की इस वीडियो में और एक एलडीवीसीसी का के ऊपर सम करने वाले का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं यूजिंग पीआई का रूल 4। तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में से गए वीडियोस में मैंने रूल 1 रूल 2 रूल 3 को रूल 3 क्या होते हैं और उसके बेसिस के ऊपर मैंने एग्जांपल सॉल्व किया है। अगर आपको वो वीडियो एक्सेस करने तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देके रखा है, फिर आई बटन में क्लिक करो तो मिल जाएगी। और ये सारे वीडियोस मैंने एक लाइन ऑर्डर वाइज में मैंने इसमें भी अपने प्लेलिस्ट में भी मैंने इस कोर्स की प्लेलिस्ट बनाई, उसमें भी मैंने वो सारे वीडियोस ऐड करके रखे हैं। तो अगर आपको वो प्लेलिस्ट एक्सेस करने तो उसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे या फिर आई बटन में क्लिक करो तो मिल जाएगी। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। जो हमें इक्वेशन दिया गया वो इस तरह से है, सॉल्व d square माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू 2 e रेस टू x इनटू साइन x बाय 2। इस तरह से हमें LDV एक इक्वेशन दिया गया है। तो हमें पता है कि जब हम LDVCC का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हम लोग एक जनरल प्रोसीजर मैंने बताया थे वो हम लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या देते हैं कि अगर ये जो गिवन एफडी है ये कैपिटल डी फॉर्म में है कि नहीं, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में है कि नहीं, तो है तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो एलिमिनेट खत्म हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या देखते हैं कि अगर अभी है तो अभी हमें क्या करना है, ये जो एफडी है इसको हमें इक्वेट टू जीरो करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा हमें, उसके रूट्स निकाल के हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग वो सारी चीजें हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करेंगे। सो देयरफॉर मैं अभी वो लिख देता हूँ। सो देयरफॉर और इसके पहले मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं इस इक्वेशन को वन मार्क कर लेता हूँ। एंड देन अगर आगे हम अभी इस एफ डी को इक्वल टू जीरो करके ऑक्सिलरी इक्वेशन मार्क करते हैं। सो देयरफॉर तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है ऑक्सिलरी इक्वेशन ए, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर दिस कोर्स। एंड यहाँ पर मैंने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया। अभी हमें इस इक्वेशन के ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं, तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी जा सकते हो या फिर आप कैलकुलेटर यूज करते हो कर सकते हो। मैं कैलकुलेटर से जाऊंगा। सो मेरे यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास पहले से ही ओपन है सारे जो कैलकुलेटर, मतलब इक्वेशन मोड में ही था मेरा कैलकुलेटर। सो अभी मैं यहाँ पे मुझे डी यहाँ पे ए की वैल्यू मेरी 1 है, बी की वैल्यू मेरी -3 है और सी की वैल्यू मेरी 2 है। तो जो मेरे रूट्स आते हैं तो जो डी के रूट्स है वो है डी इज इक्वल टू 2 एंड डी कॉमा 1। तो हमें पता है कि अभी अगर आप देखोगे इन रूट्स को देखोगे जो ये एक सेकेंड सो ये जो रूट्स को देखोगे तो ये जो रूट्स है ये रियल है और डिस्टिंक्ट है, रियल है डिस्टिंक्ट है। तो मतलब अभी अगर हमें सी एफ लिखना है तो ये कौन से रूल सेटिस्फाई प्रॉपर्टी करती है, तो सी एफ की जो रूल 1 है इसको सेटिस्फाई करती है। तो वो सी एफ का रूल 1 क्या कहता है, अगर हमें जब हमारे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो हम लोग कैसे रहते हैं, सी रेस टू ई रेस टू एम एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एम वन एम टू एक्स, इस तरह से हम लोग लिखते जाते हैं। तो अभी हम लोग वही यहाँ पर नीचे लिखने वाले हैं। सो देयरफोर जो हमारा सी एफ आता है तो हमारा सी एफ क्या आएगा, सो ये आता है हमारा सी एफ फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो अभी हमने सी एफ लिख दिया है और मैं इसको इक्वेशन 3 मार्क किया है। तो अभी हमें पता है कि हमारा स्टेप 2 तो कम्प्लीट हो गया, हमने सी एफ निकाल दिया। अभी हमें क्या देखना है, पी आई। तो पी आई का जनरल सॉल्यूशन क्या है, पी आई इज इक्वल टू 1/FD × x, ये जनरल फॉर्मूला है। तो अभी हमें पता है कि एफ डी क्या है, हमारा एफ डी ये है डी स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2 और जो हमारा x है कैपिटल x क्या है ये जो इक्वल टू के बाद में जो भी आता है वो हमारा x है। तो हम लोग अभी वो सारी चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। सो देयरफॉर सो इस तरह से हम लोगों ने जो भी सारे वैल्यूज थे वो सब्स्टिट्यूट कर दिए, एफ डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और कैपिटल x की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो हमें देखना है कि कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है पी आई का, जिससे कि हम लोग ये जो पी आई हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखता हमें पता है कि हम लोग रूल 1 स्टडी, रूल 1 क्या कहता है कि अगर ई एक्स है तो हम लोग तो अगर ई एक्स है तो हम लोग क्या कहते हैं डी इक्वल टू ए, ऐसे हम लोग लिखते हैं। बट यहाँ पे बट रूल 1 ने क्या बोला, सिर्फ ई एक्स होना चाहिए, ई एक्स के साथ कोई टर्म नहीं होना चाहिए, तो हमारा रूल 1 सेटिस्फाई नहीं होता है, रूल 1 यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। रूल 2 क्या कहता है कि साइन और कॉस ही होना चाहिए, उसके साथ कोई और टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ई एक्स और ई एक्स है तो हम लोग को तो हमारा रूल 2 भी नहीं होता है। रूल 3 क्या कहते हैं कि यार एक्स रेस टू एम में होना चाहिए, तो यहाँ पर वो भी ऐसा फॉर्म भी नहीं है। तो रूल 1 नहीं हुआ, रूल 2 नहीं हुआ, रूल 3 नहीं हुआ। तो अभी हम लोग रूल 4 पे जाएंगे और रूल 4 क्या कहता है कि जो हमारा पी आई है, अगर हमारा जो सॉरी पी आई का बोलो जो हमारा कैपिटल एक्स टर्म है वो अगर इस फॉर्म में है ई रेस टू ए एक्स इंटू यहाँ पे इंटू वी, अभी v कुछ भी हो सकता है, आप एक इक्वेशन हो सकता है या फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो इस रूल 4 के हिसाब से और हमारा यहाँ पे ये जो x है इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखोगे e रेस टू x है और यहाँ पे v का हमने मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक बस होता है फिर कोई इक्वेशन हो सकता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, साइन x बाय 2 है।
तो हमारा जो रूल फोर की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लोग रूल फोर में क्या करते हैं कि जो भी अभी ई एस टू ए एक्स है, तो अगर वन बाय एफ डी और इंटू एक्स, अगर इस तरह का एक्स हो तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय एफ डी प्लस ए हो जाता है इंटू एक्स, वन बाय एफ डी प्लस ए इंटू एक्स, इस तरह से हम लोग ये रूल फोर है। तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से हम करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो ए है यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वन है, ए की वैल्यू यहाँ पे वन आती है। तो हम लोग यहाँ पे डी के बदले जो भी जितने भी डी है उसके बदले हम लोग डी प्लस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड देन आपको उसकी जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो आपको बताऊंगा। और मैं यहाँ पे फॉर कैलकुलेशन पर्पज इस टू को मैं इसको साइड में लेफ्ट में लिख दूंगा, और ई रेस टू एक्स भी यहाँ पर ही आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो हमने जो रूल फोर है वो उन्होंने अप्लाई कर दिया है। और इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, बस क्यों मैं पहले आपको इंटरमीडिएट स्टेट बताता हूँ, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो देयरफॉर सो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है जब हम लोग यहाँ पे रूल फोर को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जो डी है, डी के वैल्यू हमने डी प्लस वन, मतलब डी प्लस ए की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है। तो अभी हमें अभी इस जो इक्वेशन को इसको हमें सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एंड देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है, उन्होंने पूरा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया, डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन कर दिया, माइनस थ्री डी माइनस थ्री प्लस टू आ जाता है। एंड बाद देखोगे तो ये माइनस थ्री और ये प्लस वन प्लस टू यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, और यहाँ पर ये भी है यहाँ पे प्लस टू डी माइनस टू डी, मतलब डी स्क्वायर माइनस डी बच जाएगा एंड में। तो वो भी जो इंटरमीडिएट स्टेप है मैं आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ पर नीचे लिख के बताता हूँ। सो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है जब उन्होंने यहाँ से हम लोग इस स्टेप पे आ जाते हैं। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे फिर से भी और एक टर्म बाकी, हम लोग वी, अभी वी के लिए हम लोग वी क्या है, वी साइन एक्स है, और हमें पता है कि अगर अगर हमें हम लोग कौन सा पी आई के रूल में साइन एक्स और कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है साइन एक्स कॉस एक्स आता है, तो रूल टू में आता है। तो अभी हम लोग इस स्टेप पे हमें रूल टू अप्लाई करना है, जिससे तो यहाँ पे रूल टू क्या कहता है कि अगर जो डी है, अगर डी स्क्वायर कोई टर्म है, अगर एफ डी में से फाइव डी डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर के बदले हमें माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे जो साइन एक्स में यहाँ पे ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है, हाफ है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर डी स्क्वायर के बदले हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस वन बाय फोर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ पर मैं आगे आपको करके बताता हूँ, इंटरमीडिएट स्टेप आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। तो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है, इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अभी हमने इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ पे जो नीचे का जो माइनस है इसको मैं कॉमन लेके यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, एंड फोर डी को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको न्यूमरेटर में भेज देंगे। सो जो नीचे का जो डिनोमिनेटर का फोर है उसको न्यूमरेटर में भेज देंगे। तो मैं आपको वो भी इंटरमीडिएट स्टेप है वो भी मैं आपको करके बताता हूँ। सो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है, माइनस टू इंटू ई रेस टू एक्स इंटू फोर बाय फोर डी प्लस वन साइन एक्स बाई टू। बट यहाँ पे देखोगे अभी भी इस एफ डी में यहाँ पे जो कैपिटल डी एक बचा है, बट हमें पता है कि हम साइन एक्स के लिए रूल टू में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर डी है डी स्क्वायर ही होना चाहिए, एक डी के साथ कुछ होता नहीं है। बट हमें पता है ना रूल टू में उन्होंने ऐसे सम्स किए थे, अगर नीचे एक सिंगल डी होता है और डी की पावर अगर वन रहती तो हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या करेंगे कि यहाँ पे d प्लस वन है ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4d माइनस वन और वो 4d माइनस वन कर देंगे, जिसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। वो आपको जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो भी मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो माइनस कॉमन लिया था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे अगर नोटिस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, और ये जो फोर जो है यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे एड कर दूंगा एंड हम लोग आगे, और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं इस सम को। तो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4d माइनस वन और 4d माइनस वन ये जो टर्म है इसको मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे अगर आप इसको अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 16d स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारा जो यहाँ पे गोल क्या था कि यहाँ पे एक सिंगल पावर डी था, और हमें और रूल टू में हम लोग को सिर्फ डी स्क्वायर से ही हम लोग डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर है ये रूल टू कहता है। अभी हमें तो यहाँ का अभी नीचे का अगर हमें डी एलिमिनेट करना है तो डी को डी स्क्वायर करना है, तो हमें हम लोग इसके लिए ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्टार्ट में बोलना भूल गया, मैं डायरेक्ट में फ्लो में चला गया। सो मैं यहाँ पर किसको कन्फ्यूज हो रहा है तो मैंने फिर से आपको बता दिया कि हमने क्यों किया ये, क्योंकि हमें रूल टू अप्लाई करना है और रूल टू के लिए हमें डी स्क्वायर टर्म होना चाहिए,
तो हम लोग ये एडजस्टमेंट करके यहाँ पे नीचे डी स्क्वायर ला दिया। अभी आप बोलोगे ऊपर जो सिंगल डी है वो ऊपर तो सिंगल डी आ गया फिर से, तो वो क्या हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कैपिटल डी है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म है। कैपिटल डी क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है, डी बाई डी एक्स हमें यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो एक्स है, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स बाई टू, वो मैं आपको आगे प्रोसेस बोलता हूँ, आपको लिख के बताऊंगा तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे अभी जो भी कैलकुलेशंस है वो आपको करके बताता हूँ। सो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। तो अभी हमें फिर से रूल टू अप्लाई करना है। रूल टू क्या कहता है, जहाँ पर भी होगी डी स्क्वायर टर्म है वहाँ पे हम लोग माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो यहाँ पर मतलब माइनस वन बाई फोर हम लोग सब्सटीट्यूट करना है, तो मैं वो आपको सब्सटीट्यूट करके बताता हूँ। सो इस तरह से आ जाता है टर्म, तो यहाँ पे माइनस वन बाई फोर जाता है, एंड अगर यहाँ पे मैं इसको और अगर अच्छे से करके देखो तो यहाँ पे फोर माइनस फोर और माइनस वन माइनस फाइव आ जाएगा, ये जो नीचे का जो ये जो टर्म है, तो इसका जो कैलकुलेशन फाइनल कैलकुलेशन आता है माइनस फाइव आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने ए की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, माइनस वन बाई फोर यहाँ पे कट हो गया, वन और फोर फोर सिक्सटीन होता है, तो फोर माइनस फोर माइनस वन इक्वल टू माइनस फाइव हो जाता है। और यहाँ पर ये जो मैंने साइन एक्स बाई टू में लिखना भूल गया, तो ये अभी आ जाएगा, तो अभी नीचे कॉन्स्टेंट आ गया, ऊपर कॉन्स्टेंट आ गया। आई थिंक हम लोग और भी इसमें सब्सिट्यूट करते हैं, यहाँ पे नीचे का जो माइनस है और ये ऊपर का माइनस है हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो अभी इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो मैं आपको इसको जरा अच्छे से यहाँ पे लिख के बताता हूँ, रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। तो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें पता है कि ये जो साइन एक्स बाई टू है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4d माइनस 1 के साथ, और ये जो कॉन्स्टेंट है 8dx बाई 5 इसको हम लोग एक साइड में कर देंगे, और ये जो साइन एक्स बाई टू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए मुझे इस बोर्ड पे मुझे जगह नहीं है, तो अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैं ये रबआउट कर दूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो ए है और सी एफ है वो रख दूंगा, और ये जो स्टेप है ये स्टेप में हैज इट इज यहाँ पे कॉपी करूंगा, और इसके आगे हम सम प्रोसीड करेंगे। तो अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने यहाँ पे जैसे लिस्ट डाउन की थी, और यहाँ पे उन्होंने जो स्टेप लिखा था वही मैंने यहाँ पे एज इट इज मैंने कॉपी किया, बाकी कोई चेंजेस नहीं किए हैं। सो अभी हमें पता है कि उन्होंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था कि यहाँ पे जो साइन एक्स बाई टू है इसको हम लोग अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे 4d माइनस 1 के टर्म के साथ। सो जो हमें आंसर आता है वो हम देखेंगे। सो इस तरह से आ जाता है, यहाँ पे मैंने एक इंटरमीडिएट स्टेप कर दी, अगर आपको अगर डायरेक्टली अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, जो भी आंसर आता है वो मैं आपको पता होगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जो कैपिटल डी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई डी एक्स हो जाता है, तो मतलब अभी अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स बाई टू को, तो हमारा जो सम कैसे आता है, टर्म कैसे आएगा, डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स बाई टू, मतलब इस तरह से आ जाता है। और हमें पता है कि साइन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स बाई टू इंटू हाफ, इस तरह से हमें डेरिवेटिव का आंसर आ जाता है। तो हम लोग वही हम लोग इसके बदले ये रिप्लेस कर देंगे। सो हम लोग अभी आपको मैं आपको आगे लिख के बताता हूँ। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर ये जो डायरेक्ट आंसर है इसको डायरेक्ट हम आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये सिर्फ मैंने आप एक्सप्लेनेशन पर्पज के लिए बोला है, आप एग्जामिनेशन में ये जो मैंने स्टेप लिखा है वो आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट ये आंसर लिख दूंगे तो हो जाएगा। सो देयरफॉर तो इस तरह से इंटरमीडिएट स्टेप आ जाता है, हमने ये आंसर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ पे ये जो वन हो जाता है यहाँ पे इसको टू हो जाता है, तो जो आंसर जो आता है जो हमारा फाइनल आई थिंक ये या कर कुछ समय सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमारा जो फाइनल भी है वो इस तरह से आ जाता है। तो ये है हमारा फाइनल पी आई फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो हमें पता है कि हमारे पास अभी सी एफ है, इसको मैं इक्वेशन फोर मार्क कर लेता हूँ। अभी हमारे पास सी एफ है और पी आई है, अभी स्टेप फोर क्या कहते हैं, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना था हम क्या करते हैं, सी एफ प्लस पी आई लिख देते हैं। सो मैं यहाँ पे एक्चुअली पहले लिखना होगा जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन इज, वो लिखूंगा, इसके हमें फॉर्मूला लिख दूंगा, और सी एफ और पी आई के जो भी वैल्यूज है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। सो ये है फाइनल जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने जो सी एफ की वैल्यू थी, सी एफ क्या है हमारा, सी वन ई टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एक्स, ये हमारा है, और जो हमारा पी आई है ये हमारा पी आई है। सो यहाँ पे ये कैसे आया, ये फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर।
सो ये है फाइनल सोल्यूशन, फाइनल जनरल सोल्यूशन फॉर दिस गिवन एलडीवीसीसी। सो अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा होगा। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलनी जाए। और हम लोग इस रूल 4 के ऊपर और भी आने वाले वीडियोस में एग्जांपल्स करेंगे। सो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।